नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले कि पूरे देश में अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग आगजनी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ट्वीट बवाल मचाने वाला है और उन युवाओं को जो सड़क पर उतरे हैं, जिन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम कर रखा है, उनको ये ट्वीट जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले आप राजनाथ सिंह का ये ट्वीट देखिए, हम आपको शुरू से इस ट्वीट को पढ़ के सुनाएंगे और जो आखिरी ट्वीट है उन्होंने इसमें कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जहां एक तरफ पूरे देश में बवाल मच रहा है इस योजना के खिलाफ, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने कह दिया है इशारों में कि ये सब छोड़िए, घर जाइए और सेना में भर्ती की तैयारियां करिए। जी हाँ, क्योंकि बहुत जल्द भर्ती निकलने वाली है और उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप सबसे पहले राजनाथ सिंह का पहला ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के युवाओं को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश के सेवा को सुनहरा अवसर पैच देश सेवा करने का सुनहरा अवसर है। पिछले दो वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती का अवसर नहीं मिल सका। फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सरकार ने अग्निवीरों को भर्ती की आयु सीमा को इस बार 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। ये वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, इससे बहुत सारे युवाओं को अग्निवीर बनने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी, यानी कि बस एक साल के लिए ये 23 वर्ष किया गया है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने आखिरी ट्वीट किया है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि पूरा देश, पूरा बिहार जल रहा है और उस बीच रक्षा मंत्री का एक ऐसा ट्वीट आता है जो आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। जी हां, इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से पूरे बिहार में अलग अलग आगजनी हो रही है, कई सारे ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है, बिहार में बीजेपी नेताओं के घर पर तोड़फोड़ की जा रही है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री जो है, देश के रक्षा मंत्री, वो ट्वीट कर रहे हैं कि मैं युवाओं से अपील कर रहा हूं कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है और वे इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दे। यानी कि जो देश में प्रदर्शन हो रहा है, बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा है। यानी कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने साफ लफ्जों में आपको बता दिया है कि आप अब घर लौटिए और जाकर तैयारियां शुरू करिए, क्योंकि बहुत जल्द सेना में भर्ती की बहाली निकलने वाली है। और उन्होंने साफ लफ्जों में अपने ट्वीट के माध्यम से बता दिया है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द प्रारंभ होने जा रही है और इसके लिए आपको जोर शोर से तैयारियां करनी है और आपकी जो मांग है उसको लेकर राजनाथ सिंह ने कोई भी ट्वीट नहीं किया। उन्होंने साफ लफ्जों में आयु में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, जो 23 वर्ष कर दिया गया है, उसकी बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना के लिए धन्यवाद कहा है और फिर उन्होंने कहा युवाओं से जो अपील की है वो साफ लफ्जों में की है कि आप तैयारियां करिए, क्योंकि सेना में भर्ती की जो प्रक्रिया है बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार युवाओं का इस पर क्या रिएक्शन होता है। युवा जो 3 दिन से लगातार सड़कों पर बैठे हैं, 3 दिन से लगातार रेलवे ट्रैक को जाम किए हुए, 3 दिन से लगातार बीजेपी के कार्यालय सहित बीजेपी नेता के आवास को निशाना बना रहे हैं, उनका इस पर क्या राय होगा? आप हमें कमेंट कर जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।